हेलो फ्रेंड्स, इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज। मोमोज बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं, तो इसलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मोमोज। मोमोज बनाने के लिए मैंने 2/3 कप मैदा लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। ये रिफाइंड ऑयल है 1 टीस्पून। ये 2 टीस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसे हम पानी डाल डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट आटा नीड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा तैयार है। अब इसे ढक के हम 1/2 घंटे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोमोज की स्टफिंग बनाना। उसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है। अब इसमें मैं ये लहसुन की कलियां, शिमला मिर्च, गाजर और ये गोभी, ये तीनों मैंने कद्दूकस कर ली है। अब इन सारी वेजिटेबल्स को हम लोग थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। सब्जियाँ चूँकि बिल्कुल कद्दूकस की हुई हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सोयाबीन भिगा करके मिक्सर में पीस लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये भी। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें बहुत हल्का सा गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च ऐड की है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। अब उस दौरान हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए बिल्कुल ज़रा सा ऑयल, उसमें अदरक, लहसुन और बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। थोड़ी देर में भून लेंगे। 2 टमाटर और लाल मिर्च डाल करके मैंने मिक्सर में बिल्कुल ही बारीक पीस लिया है। प्याज के भूनते ही हम ये मिर्च और टमाटर की प्यूरी भी इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ट्रांसलूसेंट होने लगा है, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना नहीं है। इसमें अब हम ये चटनी ऐड कर देंगे। नमक, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर अच्छे से मिक्स कर लें इसे। सोया सॉस 1 टीस्पून,
हाफ टी स्पून विनेगर, और इसमें हम एक बड़ा चम्मच केचप का डालेंगे। सॉल्ट आप इसी हिसाब से डालिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी थोड़ा नमक होता है। बस एक बॉईल और हमारा शेजवान सॉस बनके तैयार है, तीखा मोमोज के साथ खाने वाला सॉस। ये चटनी बनके तैयार है। स्टफिंग भी बिल्कुल भुन के तैयार हो चुकी है, इसे हम प्लेट में निकाल के अब स्टफ करना शुरू करेंगे अपने मोमोज को। मैंने आटे से ये लोइयां तो काट काट कर ये पूड़ियां बेल ली हैं। पूड़ियों को आपको इतना पतला बेलना है कि आप इस पे अपने हाथों पे रखें तो आपकी उंगलियां नज़र आनी चाहिए हल्की हल्की। अब इसमें हम अपना ये स्टफिंग बीचों बीच इस तरीके से रख लेंगे और इस तरीके से इसे इस तरीके से डबल डबल फ्लो फोल्ड्स करते हुए हम इसे यूं बीच में ला कर के दबा लेंगे। मोमोज तैयार है। अब एक स्टीमर में आप अपने मोमोज मेकर में या ढोकला मेकर में भी कोई जाली लगा करके उसमें इन मोमोज को स्टीम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पर स्टीमर है ढोकला मेकर में, ये एक जाली रखी है। अब मैं उसमें ये इस तरीके से रख दूँगी। सारे मोमोज़ को यूं ही रख करके आप स्टीम कर लीजिए। 10 मिनट स्टीम करिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पर। बीस मिनट हो चुके हैं, मोमोज बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। टेस्टी हेल्दी मोमोज चटनी के साथ तैयार है खाने के लिए।